तो चलिए शुरू करते हैं 3D मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो स्वागत है आपका पिक्चर शॉकिंग्स चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ 3D मूवी जिसमें एक्टर हैं कार्तिक आर्यन और इनका मूवी में नेम है 3D और एक्ट्रेस है अलाया एफ, इनको मूवी में कायनाज नेम दिया गया है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है इसमें एक साय किस्म का लड़का होता है जिसको लड़कियों से बात करने में शर्म आती है और काफी शांत सा बट अपने लिए पार्टनर की तलाश में ये हमेशा रहता है। और फिर एक दिन एक लड़की को एक सोशल ऐप के थ्रू एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उसकी प्रैक्टिस भी करता है कि उसे कैसे बात करनी है। इतने में वो लड़की रेस्टोरेंट में आ जाती है और बात स्टार्ट होने लगती है, लेकिन अपनी 3D की नजर उसकी ब्रेस्ट पर पड़ती है जिससे वो लड़की थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर शाम को 3D की ग्रैनी भी इसको फोन करके सब कुछ पूछती है और बताती रहती है कि काम कैसे करना है, और ये सब मानता भी है क्योंकि 3D सीधा सा है। फिर कुछ दिन बाद एक पार्टी में उसको इस मूवी की हीरोइन मिलती है जिसका नेम है कायनाज ईरानी। जैसे ही 3D उसे देखता है उसके पास चले जाता है, लेकिन कायनाज का पति आके 3D को धक्का दे देता है और वहां से कायनाज को लेकर चले जाता है। लेकिन 3D उस पार्टी के बाद पूरी रात उसी के बारे में सोचता है और उसको इमेजिन करता रहता है। फिर अगले दिन उसके क्लिनिक में कायनाज आती है तो पहले 3D को लगता है कि ये भी उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जब कायनाज उसको फिर से आवाज देती है तो वो आपस में बातचीत करते हैं। कायनाज बोलती है कि कल के लिए सॉरी, उसको अपना विजडम टीथ निकलवाना है और यहाँ से इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। एंड 3D बोलता है इस टीथ का एक्सरा करा लीजिए एंड कल इसका छोटा मोटा ऑपरेशन होगा और इसको हम निकाल देंगे, और कायनाज वहाँ से चली जाती है। और फिर 3D इमेजिन करता है कि कायनाज उसकी बीवी है और उन दोनों की एक छोटी सी बच्ची है। फिर अगले दिन कायनाज फिर से क्लिनिक आती है और 3D उसको पास से देखने के चक्कर में बोलता है कि आपको बेहोश करके ऑपरेशन करना होगा। एंड जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो वो उसको बेहोश कर देता है और अपने साथी डॉक्टर को बोलता है अगर आपको चाय पीनी हो तो आप बाहर जा सकते हैं। फिर उसके जाने के बाद वो कायनाज के कान में उसको बेहोश करने के बाद धीरे से आई लव यू बोलता है। एंड जब कायनाज होश में आती है तो 3D उसको बोलता है कि आपका विजडम टीथ निकल गया है, कल चेकअप के लिए आ जाना। फिर 3D उसको पूछता है क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन कायनाज उसको मना कर देती है, बोलती है मेरी फ्रेंड आ रही है। फिर 3D उसके घर का एड्रेस उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में से निकालकर फोटो कैप्चर कर लेता है। और जब कायनाज घर पहुंचती है तो उसका पति उसे दारू पी के खाने के चक्कर में पीट रहा होता है और नीचे 3D उसका एड्रेस पता करके अपनी गाड़ी में से सब देख रहा होता है। 3D चाहता था कायनाज को बचाना, लेकिन कुछ सोच कर वो अपनी गाड़ी में बैठ कर वहां से चले जाता है। और जब रात को सोता है तो उसको एक सपना आता है कि जब वो छोटा था तो उसके बाप ने उसकी माँ को गोली मार जिसका खून उछलकर उसके कपड़ों पर आता है और वो वहाँ से भाग जाता है, बट वो एक सपना होता है। सुबह जब 3D अपने क्लिनिक में होता है तो देखता है कि कायनाज का अपॉइंटमेंट 10:30 पर था पर वो नहीं आई, और अब 12:30 का टाइम हो रहा है। तो वो अपने रिसेप्शनिस्ट को बोलकर एक कॉल करता है कायनाज को और उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है। फिर दोनों पार्क में मिलते हैं और कायनाज के फेस पर कल रात की मार के निशान होते हैं। तो 3D बोलता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा, एंड कायनाज रोने लगती है। फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और 3D पूछता है कि उसका पति करता क्या है। तब कायनाज बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है। 3D पूछता है कि उसने तुम्हें क्यों मारा, तो कायनाज बताती है कि उसको मेरे दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं है। एंड ऐसे ही बातचीत होती है और कायनाज वहां से चली जाती है। एंड 3D भी बहुत खुश हो जाता है और अपने सारे अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे के लिए रीशेड्यूल करवा देता है। फिर शॉपिंग करता है और फिर रात को उसके घर के नीचे अपनी कार पार्क करके कायनाज को कॉल करता है और उसको पूछता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, मुझे आपको कुछ देना है टू चीयर यू अप। एंड कायनाज भी मान जाती है। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में कॉफी के लिए मिलते हैं और वहां 3D कायनाज को एक बुक गिफ्ट करता है और वहां से चले जाता है। एंड घर आके वो अपनी ग्रैनी को फोन करके बोलता है कि मैं कायनाज से शादी करने वाला हूँ। फिर 3D कायनाज से पूछता है कि आप अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती अगर वो आपको इतना मारता है। तो यहाँ कायनाज बोलती है कि अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो मुझे मार देगा। और धीरे धीरे करके इनकी बातचीत आगे बढ़ती है और ये लोग एक मूवी थिएटर में एक दूसरे को किस कर लेते हैं और वहां से कायनाज चली जाती है। फिर 3D फोन करता है बट कायनाज फोन पिक नहीं करती। 3D को पता चलता है कि कायनाज के पति ने कायनाज को बहुत मारा है। और जब 3D कायनाज के घर जाता है तो उसका स्वेलिंग वाला फेस देखकर उसको प्रपोज कर देता है। कायनाज बोलती है कि अगर मैं सिंगल होती तो मैं आपसे शादी कर लेती, बट मेरी शादी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं यही बात 3D के माइंड में घर कर जाती है। और 3D और कायनाज पार्क में मिलते हैं और कायनाज के पति रुस्तम को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यह 3D बोलता है कि तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैं करूंगा। और ऐसा ही कायनाज चाहती थी, ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। फिर 3D कायनाज को बोलता है कि अब से 7 दिनों तक नो कॉल नो मैसेजेस नो कॉन्टेक्ट। देन 3D अपने फार्म हाउस पर नौकर को फोन करके बोलता है कि वो आ रहा है। एंड अगले दिन 3D अपनी कार कायनाज के घर के नीचे शाम को पार्क करके उसके पति रुस्तम का वेट करता है। और जैसे ही उसका पति रुस्तम जॉगिंग के लिए बाहर निकलता है, 3D अपनी कार से उसका पीछा करता है। और जैसे ही एक सुनसान जगह आती है, 3D अपनी कार से रुस्तम को उड़ा देता है और कुचलकर मार देता है।
देता है और वहां से सीधे अपना फार्म हाउस पे निकल जाता है। फिर जब 7 दिन बाद फ्रीडी कायनाज से मिलने आता है तो देखता है कि कायनाज ने उसे धोखा दिया है और वो किसी और लड़के के साथ मिलकर ये प्लान बना रही थी कि फ्रीडी से अपने पति को मरवा कर उसकी कुछ फोटो कैप्चर करके उसको ब्लैकमेल करके अपना रास्ता साफ कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने यही गलती कर दी कि ये फ्रीडी को हल्के में ले रहे थे। जब फ्रीडी कायनाज के घर पर जाता है तो कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड फ्रीडी के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और उसको बेइज्जत करके घर से भगा देते हैं। लेकिन फ्रीडी यहाँ रुकने वाला नहीं था। फ्रीडी उसके पति के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है और बार बार एक के बाद एक गिलास पीता रहता है और उसे ऐसा करता हुआ कायनाज देख लेती है। और फिर कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसके उसके पास आते हैं और उसके गिलास में थूक देते हैं। तब कायनाज पूछती है कि तुम चाहते क्या हो? तब फ्रीडी बोलता है कि बस एक सिंपल सा जेनुअन सा सॉरी। एंड तभी कायनाज का बॉयफ्रेंड फ्रीडी के गाल पर एक कस के तमाचा मारता है और यहाँ से शुरू होती है असली मूवी। अब फ्रीडी प्लानिंग करता है, उनके घर के नीचे गाड़ी पार करके वो उनके डेली रूटीन को फॉलो करता है और जैसे ही कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर से बाहर होते हैं वो उनके घर के ताले की एक डुप्लीकेट की बनवा लेता है और घर में घुसकर उनके खाने में नींद की गोली और फेस वॉश में एलर्जी वाले केमिकल और घर में से एलर्जी की सारी मेडिसिन गायब कर देता है। लेकिन तभी कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसके घर में आ जाते हैं और फ्रीडी जल्दी से विंडोज से बाहर की तरफ जाके छुप जाता है। लेकिन उसको जैसे ही मौका मिलता है वो घर के अंदर से छुपके से निकल जाता है। अब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अपना फ्रीडी घर में आता है और पहले कायनाज की चड्डी ठीक करता है और फिर उसके फोन को अनलॉक करके उसमें से अपने आप को एक मैसेज टाइप करता है जिसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और फिर कायनाज के बॉयफ्रेंड के फोन से अपने सारे फोटो डिलीट करता है और उसको बहुत सारे झापड़ भी रसीद करता है। उसके बाद उसकी कार की की लेके उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल करके वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर उनको देखता है। अब जैसे ही कायनाज को एलर्जी होती है उसकी आंख खुल जाती है और वो वॉशरूम में जाके चीखती है तो उसके बॉयफ्रेंड की भी आंख खुल जाती है और वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं जिसकी ब्रेक पहले से फेल होती है और रास्ते में मरने से बाल बाल बच के वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जो सब फ्रीडी की ही प्लानिंग थी और वो सब देख भी रहा होता है। फिर अगले ही दिन कायनाज को उसके रेस्टोरेंट से फोन आता है कि उनके रेस्टोरेंट के खाने में किसी ने छिपकली डालकर कंप्लेंट की है और उसकी पिक्चर कैप्चर करके जोमेटो पर डाल दी है और उनका रेस्टोरेंट अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। तभी कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और जब वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं तभी फ्रीडी उनके घर जाके कायनाज के बॉयफ्रेंड के लैपटॉप से कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड की एक अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। तभी को शक होता है कि ये सब फ्रीडी का किया कराया है। वो अपने एक वेटर को उसकी फोटो दिखाती है और सब समझ जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता इन सब के लिए भी फ्रीडी पहले से तैयार था। कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत फ्रीडी के घर पहुंचते हैं। फ्रीडी उनको आते हुए देख लेता है और वो अपना गेट ओपन कर देता है और पहले से ही किसी को फोन करके प्लानिंग कर लेता है। कायनाज का बॉयफ्रेंड फ्रीडी को मार ही रहा होता है तभी फ्रीडी के गेट की रिंग बजती है और वहाँ पुलिस खड़ी होती है। कायनाज गेट ओपन करती है और पुलिस को देखते ही सब कुछ बता देती है कि फ्रीडी ने उसके पति रुस्तम को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारा था और इसी ने हमारे रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली डालकर पिक कैप्चर करके वायरल की है और इसी ने मेरे घर में घुसकर मेरे फेस वॉश में एलर्जी वाला केमिकल डाला था और ये कायनाज को स्टॉक करता था जिसके हमारे पास फोटोज हैं। लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि फ्रीडी एक सम्मानित डॉक्टर है और अच्छा सोसाइटी मेंबर है, लेकिन तब भी आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो प्लीज मुझे दिखाओ। लेकिन कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड को कोई आइडिया नहीं था कि फ्रीडी ने पहले ही सारे सबूत उनके फोन में से मिटा दिए हैं। फिर पुलिस वाला फ्रीडी से पूछता है कि अगर आपको इनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट करनी है तो बता दीजिए, लेकिन फ्रीडी जानबूझकर मना कर देता है क्योंकि उसका प्लान कुछ और था जिसका आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर एक दिन जब फ्रीडी अपने क्लिनिक पर होता है तब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड फ्रीडी से बदला लेने के लिए फ्रीडी के घर में घुस के उसका कछुआ जो कि फ्रीडी का दोस्त होता है जिसका नाम हार्डी था उसको उठा लेते हैं और उसके घर में मैस क्रिएट करके वहां से चले जाते हैं। वो फ्रीडी घर आता है तो वो सब समझ जाता है। तभी फ्रीडी कायनाज को कॉल करता है और बोलता है जैसे तुमने मेरे घर में मैस क्रिएट किया है वैसे ही मैंने तुम्हारे घर में सांप को छोड़ दिया है। लेकिन उसको यहाँ पता चलता है कि उसका कछुआ दोस्त कायनाज का बॉयफ्रेंड चुरा कर ले गया है और उसका सूप बनाकर पी लिया है, जिसका फ्रीडी को बहुत दुख होता है। और फ्रीडी के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी होती है जब वो उसके घर में मैस क्रिएट करने आए थे। फ्रीडी इन सब का बदला लेने के लिए एक प्लानिंग करता है और पुलिस वाले के पास एक भिखारी को भेजता है कि फ्रीडी की गाड़ी से कायनाज के पति रुस्तम का मर्डर हुआ है। लेकिन जब पुलिस फ्रीडी के क्लिनिक पर पहुंचती है तो फ्रीडी उसके लिए भी पहले से रेडी था। वो बताता है कि सर गाड़ी तो मेरी थी लेकिन उसको चलाने वाला कायनाज का बॉयफ्रेंड था और ये भी बोलता है कि उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर ये सब मैंने पुलिस को बताया तो वो मुझे मार देंगे और इसीलिए वो मेरे घर आए थे मुझे मारने के लिए और ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग और ये देखिए मैसेज जो कायनाज ने मुझे किया था। और जैसे ही पुलिस फ्रीडी के क्लिनिक से
चली जाती है, तभी फ्रीडी अपने फार्म हाउस के नौकर के पास कॉल करता है और बोलता है कि आप वहाँ से 4 दिन के लिए जाइए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। और क्लिनिक पर भी फोन करके बोल देता है कि अगले 4 दिन तक क्लिनिक बंद रहेगा। पुलिस स्टेशन वाले तुरंत कायनाज को फोन करके बोलते हैं कि आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाओ। और तभी फ्रीडी भी कॉल करके कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है कि अब सब शॉर्ट आउट करते हैं, तुम बस मुझे मिलकर सॉरी बोल दो। और कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड सोचते हैं कि आज इसको निपटा देंगे, चलो पहले फार्म हाउस पर ही चलते हैं। लेकिन फ्रीडी कॉल पर यह भी बोलता है कि एक बड़ा सा सूटकेस लेके आना, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी का कुछ सामान अपने फार्म हाउस से अपने घर मुंबई तक लेके जाना है। और ये सब फ्रीडी की प्लानिंग थी। तो अब जैसे ही कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड फ्रीडी के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ कोई नहीं है और वो उसको मार देंगे, क्योंकि फ्रीडी के पास एक बंदूक होती है। पहले तो बंदूक देखकर कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड डर जाते हैं और सॉरी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कायनाज को मौका मिलता है वो फ्रीडी की बंदूक उठाकर फ्रीडी के ऊपर तान देती है। वो फ्रीडी को मारने लगते हैं लेकिन गोली नहीं चलती, क्योंकि ये भी फ्रीडी की प्लानिंग थी। फिर फ्रीडी अपनी इलेक्ट्रिक टॉर्च से एक एक करके कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड को बेहोश करके अपने डेंटिस्ट वाले रूम में ले जाके दोनों को बांध देता है। और मुंबई में जब पुलिस के बुलाने पर कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते तो पुलिस कायनाज के घर आके देखती है कि वो लोग भाग गए। और जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस को लगता है कि सूटकेस लेके कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड मुंबई से भाग गए हैं। फिर फ्रीडी कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है कि हार्डी को मारना नहीं चाहिए था, मैं तो बस एक सॉरी सुनना चाहता था, आप बताओ हार्डी को किसने मारा। तभी कायनाज बोलती है कि कायनाज ने हार्डी को नहीं मारा, उसके बॉयफ्रेंड ने हार्डी को मारा है। और जैसे ही फ्रीडी अपने टूल्स लेके हार्डी की तरफ देखता है तो कायनाज का बॉयफ्रेंड पेंट में ही पेशाब कर देता है। तो सबसे पहले फ्रीडी उसके बॉयफ्रेंड के दांत निकालकर उसको अधमरा करके जिंदा ही अपने फार्म हाउस में गाड़ देता है। और फिर वापस आके कायनाज के भी सारे दांत निकालकर उसको भी अधमरा करके जिंदा ही गाड़ देता है और फिर उसकी कबर के ऊपर जाके लेट जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो देखा कैसे एक सीधे साधे डॉक्टर ने लिया अपने धोखे का बदला।